मध्य प्रदेश में उज्जैन का एक शमशान, यहाँ जलती चिताएं। रात के अंधेरे में दूर दूर तक फैला सन्नाटा, और इसी भयानक सन्नाटे को तोड़ती मंत्रोच्चारण की ये आवाजें। यहाँ पर हो रहा ये तांत्रिक अनुष्ठान किसी भूत या प्रेतात्मा को भगाने के लिए नहीं, बल्कि एक खास राजनीतिक मकसद से किया जा रहा है। गले में भारी भरकम मालाएं पहने मंत्रों की लहरों पर अपनी अंगुलियों को थिरकाते ये तांत्रिक राजनीतिक दौड़ में किसी को जिताने की मंशा से रात के इस सन्नाटे को तोड़ रहे हैं। सियासत के लिए किया जाने वाला ये कोई पहला अनुष्ठान नहीं है। अगर इस तांत्रिक की बात पर विश्वास करें तो मायावती, नरेंद्र मोदी और यूपीए को गद्दी दिलाने में ऐसा ही अनुष्ठान सहायक साबित हुआ है। पार्टी के लोग हैं, अलग अलग पार्टियों के अलग अलग लोग हैं, सभी चाहते हैं कि सरकार ऐसी हो देश हित में। पूर्व में भी मैंने जिस तरह से मायावती के लिए अनुष्ठान किया था सफल रहा, नरेंद्र मोदी के लिए अनुष्ठान किया था वो भी सफल रहा, और यूपीए सरकार के लिए अनुष्ठान किया था वो सफल रहा, होगा ये भी सफल ही रहेगा। मेरे अनुष्ठान से शिवराज सिंह चौहान बीजेपी की सरकार बनेगी। सुना आपने, जी हाँ, ये तांत्रिक मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान को जीत दिलाने के लिए सियासत का ये अनुष्ठान कर रहा है। अपनी जीत को पुख्ता और भाजपा की हालत को सुधारने के लिए उम्मीदवार साम दाम दंड भेद की नीति अपनाने में लगे हैं। ऐसे में फिर तांत्रिक क्रिया कैसे पीछे रह सकती है? लेकिन देश को चांद और मंगल पर भेजने का दम भरने वाले नेता ही जब इस तरह के तामझाम में पड़ते नजर आए तो भोली भाली जनता को ये नेता तरक्की के भाषण कैसे दे सकते हैं? अब हमारे लिए देखने वाली बात ये होगी कि क्या तांत्रिकों का ये राजनीतिक अनुष्ठान मध्य प्रदेश में भाजपा के सिर पर जीत का सेहरा बांध पाएगा। दिल्ली से अनिल शर्मा के साथ विवेक वाजपेयी, टोटल टीवी, उज्जैन।